Let f be a differentiable function on the open interval a comma b. Which of the following statements must be true? F is a continuous on the closed interval a to b. तो सी सबसे पहले हमें given है f क्या है open interval a to b में differentiable है. अगर a to b में वो differentiable है तो obviously वो continuous क्या होगा a to b में वो continuous भी होगा और closed interval में continuous होगा क्योंकि otherwise वो हमारे पास क्या है a से just pass वाले point पे differentiable नहीं हो पाएगा. ठीक है तो हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट होगा. अब स्टेटमेंट थ्री देखते हैं हम. तो स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है, हमें एक पॉइंट गिवन है एफ ऑफ ए वन. तो हमें ए वन पे बोला है कि वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए वन इज लेस देन जीरो है और एफ ऑफ बी क्या है हमें गिवन है कि एफ ऑफ बी वन इज ग्रेटर देन जीरो है. तो हमें यह भी पता है कि अगर ये फंक्शन एफ डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस है बीच में. तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट एक बार तो क्या बोलते हैं कट करेगा ही सही एक्स एक्सिस को. तो इट मीन ये एक बार तो जीरो होगा ही सही. तो यहाँ पे हमें यही बोला है कि a1 और b1 के बीच में c एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए f ऑफ c जीरो होगा ही होगा. तो एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसी होगी ही होगी. तो स्टेटमेंट वन और थ्री तो करेक्ट है एकदम. अब हमें बोला है f इज बाउंडेड ऑन एन इंटरवेल a टू b. तो हम ये क्या बोलते हैं अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. क्योंकि अगर हम देखेंगे तो tan जो हमारा x होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में वो एक नॉन बाउंडेड फंक्शन है स्टिल वो क्या होता है वो डिफरेंशियबल होता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट सेकंड ये क्या है इनकरेक्ट है क्योंकि इसका जो एक tan x एग्जांपल लेंगे हम तो ये वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो ऑप्शन वन एंड थ्री क्या होगा करेक्ट होंगे ही होंगे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर.